Hello guys, I am Rajesh Jain. I am going to give you our most easiest way to learn the real number of class 10 CBSE boards. मैं आप लोगों को class 10th की maths की NCERT book की सारी exercise को fully solve करके दिखाऊंगा, वो भी complete formula के साथ. आइए start करते हैं. This is a part 1. क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स और ये सब्जेक्ट है आपका मैथ्स. इसको हम सॉल्व करेंगे पहले हम एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस. इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है रियल नंबर. फर्स्टली वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1. इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले पहले फॉर्मूले को हम देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज़ होते हैं. ये फॉर्मूला बहुत जनरल है, हम सब जानते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले का इसमें यूज़ है तो इस फॉर्मूले को एक बार समझ लेते हैं फिर से. इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे 2 से एक डिवाइड कर रहे हैं 9 को. तो जिसको डिवाइड करा जाता है वो आपका कहलाता है डिविडेंड, और जिससे डिवाइड होता है वो कहलाता है आपका डिविजर. इसको डिवाइड होके 4 आ गया और रिमेनिंग में बचा 1. जो डिवाइड होके आता है वो आपका कहलाएगा क्वोशेंट, और जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका कहलाएगा यहाँ पे रिमाइंडर. ये फर्स्ट फॉर्मूला है इसका, इक्विलिट्स एल्गोरिथम फॉर फाइंड एफसीएफ. ये फॉर्मूला क्या होता है इसको देखते हैं. Euclid, a Greek mathematician, given a method to find FCF of two number. This method is known as a Euclid algorithm. According this method to find FCF of following these steps. Euclid एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि मैथमेटिशियन थे ग्रीक के. इन्होंने हमें FCF फाइंड करने के लिए एक मेथड दिया था जो दो नंबर के बीच में फाइंड किया जाता है. इसी को हम एल्गोरिथम मेथड कहते हैं. इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमें फाइंड करना है 6 और 22 का एचसीएफ. तो जो बड़ा नंबर है, जैसे 22 यहाँ पे बड़ा है तो इसको हम यूज़ करेंगे डिविडेंड के रूप में, और जो स्मॉलर नंबर 6 है उसको यूज़ करेंगे डिविजर के रूप में. सेकंड स्टेप है हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है. तो 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 22 से. तो ये डिवाइड हो गया आपका 3 और रिमाइंडर में बचा आपका 4. इसको हम ये देखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर अगर हमारा 0 नहीं आ रहा है तो हमें ये आगे डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर ये 0 आ जाता है तो यही हमारा जो लास्ट डिविजर है 6 वो आपका एचसीएफ हो जाएगा. अभी ये 0 नहीं आया है तो फर्दर हम इसको डिवाइड करेंगे, और उसके लिए जो रिमाइंडर है उसको हम न्यू डिविजर के रूप में यूज़ करेंगे. तो 4 हमारा एक डिविजर होगा न्यू, और 6 को हम न्यू डिविडेंड के रूप में यूज़ करेंगे. तो 6 को 4 से अगेन हमें डिवाइड करना है. तो 6 को 4 से अगर डिवाइड करने पे आपका आंसर आ गया 1 और रिमेनिंग में बचा आपका 2. अभी भी 0 नहीं आया है. ये प्रोसेस कंटिन्यूसली तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास आंसर 0 नहीं मिल जाता. तो 2 को हम फिर से डिविजर लेंगे और 4 को डिविडेंड, और अगेन डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड करने पे आपका 2 मिल गया और रिमेनिंग में बचता आपका 0. अब ये 0 आ गया है तो जिस आखिरी बार से डिवाइड किया था हमने यानी कि 2 से डिविजर से, वही 2 हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, एस सी एफ. तो जिससे हमें 0 मिलता है वही डिविजर हमारा कहलाता है एस सी एफ. सेकेंड फॉर्मूला है इक्विलिट डिविजन लेमा. इसके लिए आपको दो नंबर इंटीजर दिए जाएंगे ए और बी, और जिसके अलोंग दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे क्यू और एंड आर. फॉर्मूला आपका ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, और आर की वैल्यू जो डिपेंड करती है वो बी पे. इस फॉर्मूले को मैं तब समझा दूंगा जब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यूज इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ. ये 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और इन तीनों क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे. पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 135 एंड 225. इसके लिए पहला स्टेप जो हमारा था कि सबसे बड़ा जो नंबर है उसको हमें डिविडेंड लेना है, तो डिविडेंड हो गया 225, और जो स्मॉलर नंबर है 135 उसको हमें लेना है डिविजर. सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हम क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करेंगे. तो इसके लिए 135 को 225 से हम डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए डिवाइड होकर 1 आ गया और रिमाइंडर में बचता आपका 90. अभी हमारा 0 रिमाइंडर में नहीं आया है तो उसको फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और जो रिमाइंडर बचता है उसको हमें यहाँ पे डिविजर लेना पड़ता है, और जिससे हमने डिवाइड किया होता है उसको हम यहाँ पे डिविडेंड के रूप में लेंगे. तो 90 को 135 से फिर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो
तो 90 को 135 से डिवाइड किया तो वन टाइम किया, और ये डिवाइड होने के बाद आपका जो आ जाएगा रिमाइंडर में वो बचा आपका आंसर रिमाइंडर में 45। अभी भी जीरो नहीं आया है तो 45 को हम यहाँ पे डिविजन लेंगे, और 90 जिससे हमने डिवाइड किया था उसको हम डिविडेंड लेंगे, और 45 को अगेन 90 डिवाइड करेंगे, तो ये 90 से डिवाइड करने पे आपका आंसर आ गया 2। और ये इस बार हमारे पास आंसर मिल गया इसको रिमाइंडर के रूप में 0, जो कि हमें चाहिए था, और जिससे हमें 0 मिला वो ही लास्ट डिविजर। लास्ट डिविजर हमारा यहाँ पे क्या है स्क्रीन पे 45, यही लास्ट डिविजर आपका क्या हो गया आंसर हो गया, तो एससीएफ हो गया हमारे पास यहाँ पे दोनों का 45, ये आपका फाइनल आंसर।